हम किसी मुसलमान के साथ इसलिए नहीं खड़े होते कि उसके साथ गलत हो रहा है, हम गलत के खिलाफ और सच के साथ खड़े होना चाहते हैं। मीडिया तो जहर बोने का काम कर रही है इस देश में, मीडिया बुलबुल पर और चीता पर डिबेट करा रही है। जिस तरीके से लखीमपुर खीरी का जो मामला हुआ है, दो बहनों को, दलित बहनों को मौत के घाट उतार दिया, रेप की भी पुष्टि की जा रही है, उसके बाद बदायूं में भी जो है ऐसे ही पुष्टि हुई है, वहाँ पे भी रेप का मामला था, उसके साथ गलत हुआ, दलित बच्ची थी। वहीं उसके बाद सहारनपुर में लगातार ये मामले आ रहे हैं, सहारनपुर में भी उस बच्ची के साथ गलत हुआ, उसके बाद जला दिया। ये मामले घटने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, ये कैसे रुकेगा? देखिए, ये इसकी चिंता पूरे समाज को होनी चाहिए। किसी एक प्रदेश का भी मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश के बाहर भी देखेंगे तो कई प्रदेश जहां अलग अलग रंगों के दलों की सरकारें हैं, वहां भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बस ये हो रहा है कि जिन लोगों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाए थे, जिन लोगों ने ये कहा था कि बहुत हुआ महिला पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, उनसे ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि उनको पूर्ण बहुमत की सरकारें उनकी बनी हैं। और जो भरोसा, जैसे मान लीजिए मैं कोई भरोसा दे करके यहाँ आऊँ कि मैं आपको इंटरव्यू दूंगा, लेकिन इंटरव्यू देने की बजाय मैं कोई और काम करने लगूं, मैं अपना प्रचार करने लगूं या कोई भी विषयांतर बात बोलूं, आप कोई सवाल मुझसे पूछें मैं जवाब अपने मन का दूं, इसका मतलब ये कि मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। जिन लोगों ने जनतंत्र में जिस बात को कह करके वोट मांगा था, ये तो जवाब उनको देना चाहिए। एक तो ये राजनीतिक दल, और दूसरी बात कि सरकारें अगर अपराधियों के पक्ष में खड़े होकर, सरकार का काम क्या होता है, चुनी हुई सरकारों का काम यह होता है कि गुनहगार को सजा मिले, जिनके साथ गुनाह हुआ है उनको न्याय मिले, किसी भी सरकार का मूल धर्म ही है न्याय और सुरक्षा। अगर सरकार न्याय और सुरक्षा देने में नाकाम है तो उस सरकार के खिलाफ जनता को सड़क पर उतरना चाहिए, अगर सरकार अपराधियों के साथ खड़ी हो जाए तो उस सरकार को तो अविलंब गिरा देना चाहिए। एक तो ये पक्ष है, दूसरा पक्ष ये है कि समाज को भी एक बार सोचना होगा, बलात्कार करना, बलात्कारी, हिंसक, हत्यारे लोग एक मानसिकता है, और इस देश में कहीं अगर हिंसा, नफरत, हत्या, इस प्रवृत्ति को तो नहीं कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। कमजोर मारा जाए और ताकतवर के हिंसा को भी लेजिटिमाइज किया जाए कि ये तो हमारे लोग हैं, इनको हम फूल माला पहनाएंगे। हम बलात्कार, जो 4-5 महीने की गर्भवती महिला है जिसके बलात्कारी जेल में थे, जिसको सजा मिली है, नियम कायदे बदल करके या किसी भी तरह से उनको बाहर निकाला जाए और उनके ऊपर माला पहनाई जाए, फिर न्याय किसके पक्ष में खड़ा है? तो जो भी कमजोर है, महिला का पक्ष एक बेहद संवेदनशील पक्ष है, जो हजारों साल से जो शोषित वंचित तबका है, नया भारत बनने का मतलब क्या होता है कि उसको न्याय और सुरक्षा मिले। बलात्कार न रोक पाना राजनीतिक विफलता के साथ साथ सामाजिक विफलता भी है, वैसे ही जैसे दलितों पर अत्याचार, वैसे ही जैसे आदिवासियों के जल जंगल जमीन छीना जाना, वैसे ही जैसे जो भी कमजोर मजलूम है उसके खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है इस देश में, ये गलत है। इसको रोकने के लिए सरकारों से सवाल पूछना जिम्मेदारी सरकार की, जनता की है, लेकिन जनता को अपने आप से भी सवाल पूछना चाहिए। ये तभी रुकेगा जब नागरिक बोध सबके बीच पैदा होगा, जब लोग समझेंगे कि हमारे पड़ोस में अगर कोई बुलडोजर किसी के ऊपर चल रहा है, हमारे बगल में कोई दंगा हो रहा है, हमारे बगल में कोई धर्म के नाम पर नफरत फैला रहा है, हमारे बगल में कोई रोज हिंसा कर रहा है, हमारे बगल में कहीं बलात्कारियों का सम्मान हो रहा है, हमारे बगल में कहीं हिंसा के लिए उत्तेजना फैलाई जा रही है, अगर हम नागरिक होकर के उन्हें रोक नहीं पाए या हम अपनी चुनी हुई सरकारों के ऊपर दबाव नहीं बना पाए तो नागरिक बोध आपका शून्य हो गया। अच्छे लोग 80% होते हैं किसी समाज में, वो चुपचाप और बटे हुए होते हैं, बुरे लोग 15-20% होते हैं, वो सत्ता में भी 30% होंगे तब भी ऐसा लगेगा कि पूरा देश बुरे लोगों का है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समाज को जागरूक होना है, वो सरकार से सवाल पूछे और सरकार इस पे जवाब दें कि आप घर क्या रहे हैं, आप अगर गुनहगार को सजा नहीं दिला पाएंगे तो फिर न्याय से भरोसा उठ जाएगा, और ऐसा इसीलिए हो रहा है। सर, ये जो नेशनल मीडिया है लखीमपुर खीरी का मामला इसलिए भी दिखा रहा है, वैसे तो भर्त्सना होनी चाहिए, कोई भी अगर रेप करता है तो उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, उसमें मुस्लिम एंगल आ गया तो वहाँ पे दिखाया जा रहा है, बदायूं और सहारनपुर वाला मामला क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? नहीं, बात यही है ना, अब तो मतलब ये हो गया है ना कि परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं, एक खास किस्म का घेटोइजेशन बनता जा रहा है।
वो लोग जब ब्राह्मण सवर्ण या सो कॉल्ड हिंदू लोग हैं अपराधी तो आप चुप रहोगे, और दूसरी तरफ भी कुछ लोग हो सकता है ऐसा हो, मेरी नज़र में ऐसे लोग नहीं आते। कोई अगर हाथरस पर बोला हो और लखीमपुर खीरी पर इसलिए चुप हो जाए या इसलिए ना बोले कि वहाँ कोई, मान लीजिए दलित महिला का बलात्कार कोई दलित पुरुष करे तो क्या नहीं बोलेंगे हम? क्या ओबीसी दलित का शोषण करे तो बहुजन वैचारिकी वाले लोग नहीं बोलेंगे? वैसे अब अपराध को इन सब से बाहर आप किसके पक्ष में खड़े हैं? आप किसी दलित, किसी मुसलमान या किसी आदिवासी के पक्ष में नहीं खड़े होते, आप न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं। इस फर्क को समझना चाहिए। हम किसी मुसलमान के साथ इसलिए नहीं खड़े होते कि उसके साथ गलत हो रहा है, हम गलत के खिलाफ और सच के साथ खड़े होना चाहते हैं। और जब ये मानसिकता आएगी तो अपराधी की जाति, धर्म, भाषा नहीं देखा जाएगा। नंबर एक बात, ऐसा जो भी कर रहा है वो जाहिल है, वो जुल्म के साथ खड़ा है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, कई बार वोकल हो जाते हैं लोग, वो तो खोजते हैं पूरे टाइम, अरे इस देश में क्या हुआ, मस्जिद के सामने नारा लगाया गया, पूरे देश ने वीडियो देखी, मुसलमानों को गाली देना, उनके घरों पर पत्थर मारना, उस पर कितनी डिबेट हुई, और एक पत्थर उधर से आया तो उस पर भी डिबेट होगी। तो जाहिल लोग जहालत तो खोजते हैं, और वो आपको तब तक उकसाएंगे कि उधर से कोई जवाब ना आए, और उधर भी अगर ऐसे लोग हैं तो दोनों तरफ से कट्टरता, हिंसा, नफरत ये सब बढ़ेगी। और इसलिए लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम अब क्यों नहीं बोल रहे, अब क्यों नहीं बोल रहे। भाई हमारा बोलना न्याय के पक्ष में बोलना है, और अन्याय जिसके लिए हुआ है हम उसके हर जगह साथ खड़े हैं। जो गरीब, कमजोर, मजलूम है, जिसके ऊपर हिंसा का शिकार हुआ है जो, हम उसके साथ खड़े हैं, ये हमारा पक्ष है। मीडिया तो जहर बोने का काम कर रही है इस देश में, मीडिया बुलबुल पर और चीता पर डिबेट करा रही है, भूख से मर रहे, नौकरी छूट रही, शिक्षा बिक रही, रोजगार खत्म हो रहा, महंगाई इतनी चरम पर है, मीडिया कितनी डिबेट उस पर कराती है। इसलिए मैं मीडिया की के बिकने, सरकारों के सब कुछ बेचने और संस्था, लोकतांत्रिक संस्थाओं के बर्बाद होने से इतना परेशान नहीं हूँ। बतौर नागरिक मैं इसलिए परेशान हूँ कि इस मुल्क के बहुसंख्यक आवाम अपने सामने यह सब कुछ होता हुआ देख कर चुप है, तो फिर आप इसको फिर इंजॉय करें। आप देखिए, ये मुझे बहुत पता नहीं है, अब ये जो जाति के नाम पर सम्मेलन और समाज बना होता है ये सब मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन ओवरऑल पूरी डिबेट को, हो सकता है इसमें एक बात ये हो कि जिनके आसपास होता है ना, किसानों का विकास करना था लेकिन किसानों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा विकास क्या हो रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों शिक्षकों को लग रहा है कि ये जो नई शिक्षा नीति है ये हमारे पक्ष में नहीं है लेकिन फिर भी हम आरोपित कर देंगे, हो सकता है वैसा कुछ उनके साथ हुआ हो। असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है, इसमें जो कमज़ोर है, गरीब है, वो सबसे पहले मारा जाएगा। आप जाइए सबसे पहले, कोरोना में नौकरी किसकी छूटी, किसके घर के बच्चों की फीस नहीं जमा हो रही है, किसके घर में महंगाई का असर सबसे ज़्यादा हो रहा है, किसके घर में रोटी कम बनने लगी, किसके छत पर चूने लगी और उसके घर के मरम्मत का पैसा नहीं है, किसके घर में लोग घरों में कैद हो रहे हैं, और कौन अमीर बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, वो अमीर बनता जा रहा, गरीब देश का अमीर व्यक्ति, तो ये असली डिबेट यहाँ है। और ये जो सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है, ध्यान भटकाने के लिए बहुत कुछ किया जाता है, अपने एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। अब देखिए ना, ये जो घर ढा रहे हैं ये सारा काम हो रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा काम हो रहा है लेकिन बहुत देर से हो रहा है, क्योंकि इस देश में नए नए लोगों का जो अवतार हुआ है, जैसे गोडसे का अगर इस देश में मंदिर बन सकता है, मोदी का मंदिर बन सकता है, तो योगी का मंदिर क्यों नहीं बने? लेकिन ये अजीब सी मानसिकता है, आप किसी को पूज रहे हैं, किसी के भक्त बन गए हैं, ये आपकी च्वाइस है। संविधान, हमारा संविधान आपको ये भी मौका दे रहा है कि आप पूजिए, सबको पूजिए। मेरी चिंता है कि जो लोग ये कह के आए थे कि 19 लाख रोजगार देंगे, जो लोग ये कह के आए थे कि महंगाई कम करेंगे, शिक्षा देंगे, आरक्षण को न्याय मिलेगा, वो लोग क्या ये काम कर रहे हैं जिससे उनको मंदिर बनवाया जाए? मेरी चिंता मंदिरों को लेकर है ही नहीं। इस देश में वैसे भी देवालय कम है, विश्वविद्यालय ज़्यादा हो गए लग रहा है, इसलिए विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया जा रहा है, देवालय बढ़ाए जा रहे हैं। रोज़ मंदिर मस्जिद पर डिबेट हो रही है, किसी मंदिर में वो देवता, किसी मंदिर में ये देवता, ये सारे देवता कमज़ोर, वंचित, शोषित के नहीं है, इसका क्या करें? अब ये देखिए, इस सब बहस में तो मैं जाना नहीं चाहता, मदरसे आतंकवाद का अड्डा है,
और जो पता नहीं कान कौन कौन सा सांस्कृतिक संगठन है उसके लोग पकड़े गए PFI से जोड़ करके और पाकिस्तान को जासूसी कर रहे थे, वो उनकी जात बिरादरी उनके संगठन के थे, वो कल को कहने लगे कि आप किसके अड्डे हो, किसका संगठन बैन हुआ है। अरे बैन कर दो, इस देश के मुसलमानों को भगा दो, सबका वोटिंग राइट छीन लो, मदरसों को बंद कर दो। मदरसों की चिंता वाले नई शिक्षा नीति ला के स्कूल क्यों बर्बाद कर रहे हैं, मेरी तो ये भी चिंता है। एक न्यायप्रिय अगर प्रणाली है और न्यायप्रिय प्रणाली में अगर ये भरोसा दिखे कि कुछ अच्छा करने के लिए कर रहे हो तो किसान विरोध नहीं करेगा, छात्र नई शिक्षा नीति का विरोध नहीं करेगा, वो विरोध नहीं करेंगे। तुम्हारी नीयत में ही खोट है। तुम हिंदू मुस्लिम करा करके पूरे देश में ऐसा करना चाह रहे हो कि हिंदुओं के बीच, सो कॉल्ड हिंदुओं के बीच कोई समस्या है नहीं, सारी समस्या मुसलमानों के बीच है। और इस देश के बहुसंख्यक लोगों को ये समझ में आ रहा है कि पेट्रोल 100 रुपया लीटर भरवा लेंगे, 200 रुपया लीटर सरसों के तेल भर लेंगे, अपने बच्चे का शिक्षा बर्बाद हो जाएगी, नौकरी बर्बाद हो जाएगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं, मुसलमानों को ये ठीक कर रहे हैं हम, उस पर उनको वोट देंगे, ये जो है आरक्षण खत्म कर रहे हैं ये इस पर वोट देंगे। जनता अगर इसमें खुश है तो क्या करेंगे भाई साहब, ये मेरा कहना है। बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ थे लक्ष्मण यादव जी, तो अभी मैंने उनसे पूछा लखीमपुर का जो मामला था उस पर क्या कुछ रहा, तो आप ये देखिए कि मीडिया के लिए खबरें क्या हैं, आप ये देखिए कि मीडिया किस तरीके की खबर चलाता है, आप ये देखिए कि ये मनुवादी मीडिया किस तरीके का एजेंडा चलाता है, आप ये देखिए कि जहां एक तरफ घरों पर बुलडोजर चल रहा है वहां इस देश में चीते लाए जा रहे हैं, चीतों को दिखाया जा रहा है, हेडलाइन चीता है, ब्रेकिंग न्यूज चीता है, लेकिन उसके दूसरी तरफ अगर उस गांव का आप निरीक्षण करेंगे तो वहां लोग भूखे मर रहे हैं। वहीं यहां पर लोग जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो लोग यहां पर घर टूटने का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी खबर अगर ये है कि दलित बेटियों की हत्या कर दी जाती है, रेप की पुष्टि होती है, तो ये खबर बड़ा चढ़ाकर इसलिए भी दिखाई जाती है क्योंकि उसमें मुस्लिम एंगल आ गया है। मैं उन आरोपियों की भर्त्सना करती हूँ, चाहे आरोपी आरोपी होता है वो भी रेप करने वाले को तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, रेप करने वाले को कभी माफ नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा कहना ये है कि वहीं बदायूं और सहारनपुर जैसी खबरें क्यों नहीं दिखाई जाती है जब वहाँ दलित बेटियों के साथ रेप हो जाता है और उन्हें जिंदा जला दिया जाता है, तो ऐसी खबर ये मनुवादी मीडिया क्यों नहीं दिखाता है? वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये एंगल क्यों खोजने लग जाते हैं और अपना एजेंडा क्यों चलाने लग जाते हैं? तो आप ये देखिए कि मनुवादी मीडिया के लिए खबर चीता है, शेर चीते ले आया है, तो आप चीते देखते रहिए और भूखों मरते रहिए और घरों पर इसी तरीके से बुलडोजर चलाने का जो काम हो रहा है वो भी आप देखते रहिए। ऐसे ही अपनी बेटियों के जो जिंदा जला दिए जा रही है, उनकी हत्या कर दी जा रही है सिर्फ और सिर्फ जातिवादी मानसिकता के लोगों द्वारा, तो आप वो बैठ कर देखते रहिए। इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, दिल्ली विश्वविद्यालय।